प्रश्न दो, गुणनफल ज्ञात करें। प्रश्न दो का पहला है एक्स प्लस तीन गुना एक्स प्लस चार। एक्स प्लस चार, तो ये है प्रश्न, एक्स प्लस तीन गुना एक्स प्लस चार, तो ये कौन सा सूत्र पे है? तो ये जो है एक्स प्लस तीन गुना एक्स प्लस चार, इसको हम एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी के सूत्र पे बैठाएंगे। तो देखिए, इसका सूत्र होता है एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, यानी एक्स के जगह पे एक्स है। देखिए, एक्स के जगह पे क्या है? एक्स के जगह पे एक्स है, एक्स के जगह पे एक्स है, ए के जगह पे तीन है, फिर एक्स के जगह पे एक्स, बी के जगह पे चार, तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी। ठीक है, इस सूत्र पे बैठ रहा है, बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो देखिए, एक्स के जगह पे एक्स है और ए के जगह पे तीन है, यानी तीन प्लस बी के जगह पे चार है, तो ए प्लस बी गुना एक्स, एक्स के जगह पे एक्स है प्लस ए बी, यानी तीन गुना चार। तो देखिए, ये बैठ गया है सूत्र पे, तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी, यानी ए गुना बी। तो इस तरह से हम इस सूत्र पे बैठा लेंगे। कौन से सूत्र पे? इस सूत्र पे। देखिए, एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पे तीन है, बी की जगह पे चार है, गुना एक्स प्लस ए बी, यानी ए गुना बी। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस तीन और चार को जोड़ेंगे, तो तीन और चार कितना होगा? चार तीन सात, और गुना एक्स यानी सात एक्स प्लस चार तिया बारह। तो इसका उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस बारह। अब दूसरा हल करेंगे, तो दूसरा प्रश्न है एक्स प्लस बारह गुना एक्स प्लस सत्रह। एक्स प्लस बारह गुना एक्स प्लस सत्रह, तो ये है प्रश्न, एक्स प्लस बारह गुना एक्स प्लस सत्रह। तो ये भी एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी के सूत्र पे ये बनेगा। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो एक्स प्लस ए, देखिए एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, यानी एक्स के जगह पे एक्स है, ए के जगह पे बारह है और बी के जगह पे सत्रह है, तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पे बारह है, बी की जगह पे सत्रह है, तो ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। ए बी मतलब ए गुना बी, तो ए की जगह पे बारह है, बी के जगह पे सत्रह है, यानी ए गुना बी। तो इस तरह लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बारह प्लस सत्रह, यानी बारह और सत्रह को जोड़ देंगे तो कितना होगा? सात दो नौ, एक एक दो, यानी उनतीस एक्स प्लस बारह गुना सत्रह। तो बारह और सत्रह को गुना करेंगे तो बारह सत्तर चौरासी, हाथ में रहा आठ, बारह गुना एक बारह, बारह आठ बीस। तो इसका उत्तर आ गया है
एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 204, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 204। तो इसको हम कौन सा सूत्र पे बैठाएंगे, x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी, यानी a गुना बी। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब तीसरा, तो तीसरा है तीन एक्स प्लस सात गुना तीन एक्स प्लस पाँच। तो ए प्लस बी गुना ए, देखिए एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी के सूत्र पे इसको हल करेंगे। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, तो एक्स के जगह पे तीन एक्स है, ए के जगह पे सात है और बी के जगह पे पाँच है। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। देखिए एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, तो एक्स के जगह पे तीन एक्स, ए के जगह पे सात और बी के जगह पे पाँच। तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी पे बैठा लेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी तीन एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए के जगह पे सात है बी के जगह पे पाँच है, तो ए प्लस बी गुना एक्स, एक्स के जगह पे तीन एक्स है प्लस ए बी, यानी सात गुना पाँच। इस तरह लिख लेंगे। तो तीन एक्स का वर्ग, तो तीन का वर्ग नौ, एक्स का वर्ग यानी नौ एक्स स्क्वायर प्लस सात पाँच बारह, सात और पाँच कितना होगा बारह, बारह को तीन से गुना करेंगे तो बारतीय छत्तीस, छत्तीस एक्स प्लस सात पचे पैंतीस। तो इसका उत्तर आ गया है नौ एक्स स्क्वायर प्लस छत्तीस एक्स प्लस पैंतीस। तो x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो इसका उत्तर हो गया नौ एक्स स्क्वायर प्लस छत्तीस एक्स प्लस पैंतीस। प्रश्न चार, तो प्रश्न चार में है पी स्क्वायर प्लस छ गुना पी स्क्वायर प्लस ग्यारह, पी स्क्वायर प्लस छ गुना पी स्क्वायर प्लस ग्यारह। तो इसको भी हम x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी के सूत्र पे बनाएंगे। तो देखिए x प्लस ए, x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, तो x के जगह पे पी स्क्वायर, ए के जगह पे छ और बी के जगह पे ग्यारह। तो x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो x के जगह पे कौन है पी स्क्वायर है, ए के जगह पे छ है, फिर x के जगह पे पी स्क्वायर और b के जगह पे ग्यारह। तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी के रूप में लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी पी स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए x के जगह पे कौन है पी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यानी x का स्क्वायर। तो x के जगह पे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का स्क्वायर दे देंगे प्लस ए प्लस बी, ए के जगह पे छः है बी के जगह पे ग्यारह है। तो ए प्लस बी गुना एक्स, एक्स के जगह पे पी स्क्वायर है प्लस ए बी, ए के जगह पे छः है बी के जगह पे ग्यारह है। इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा पी स्क्वायर का स्क्वायर यानी, तो पी का घात दो है और पूरा पे घात दो है तो घात को गुना कर लेंगे यानी पी का घात हो जाएगा चार, दो गुना दो क्या होगा चार, तो पी का घात चार प्लस ग्यारह और छः को जोड़ेंगे तो सत्रह, सत्रह पी स्क्वायर प्लस ग्यारह छक छियासठ। तो इसका उत्तर आ गया पी का घात चार प्लस सत्रह पी स्क्वायर प्लस छियासठ। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न पाँच, तो पांचवा है एक्स प्लस दो बटा तीन, एक्स प्लस दो बटा तीन
गुना एक्स प्लस 3/5। तो प्रश्न क्या है, एक्स प्लस 2/3 गुना एक्स प्लस 3/5। तो ये कौन सा सूत्र पे है, एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी। तो एक्स के जगह पे एक्स है, ए के जगह पे 2/3 है, बी के जगह पे 3/5 है। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो देखिए एक्स के जगह पे एक्स है, ए के जगह पे 2/3, एक्स के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे 3/5 है। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए के जगह पे कौन है 2/3 प्लस बी के जगह पे 3/5। तो ए प्लस बी गुना एक्स, एक्स के जगह पे एक्स है तो एक्स लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस ए बी यानी 2/3 गुना 3/5। ए बी मतलब ए गुना बी, तो ए के जगह पे 2/3 है, बी के जगह पे 3/5 है, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2/3 प्लस 3/5, तो 3/5 का लघुत्तम क्या होगा, 3 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो 3 × 5 = 15, तो 5 × 2 = 10 प्लस 5 × 3 = 15, तो 3 × 3 = 9। देखिए 3 और 5 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो 3 × 3 = 9 गुना एक्स प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्या बचा 2/5। इस तरह लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 × 9 = 19, 10 और 9 क्या होगा 19, तो 19/15, 10 + 9 = 19 होगा और 15 गुना एक्स, तो एक्स लिख लेंगे प्लस 2/5। तो इसका उत्तर आ चुका है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 19/15 एक्स प्लस 2/5। तो इस तरह से पांचवा प्रश्न हल करेंगे। छठा, तो छठा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2/7। तो यह है प्रश्न, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2/7। तो ए प्लस बी गुना, ये माफ कीजिए, एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी के सूत्र पे है, तो एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है, ए के जगह पे 3/5 है, बी के जगह पे 2/7 है। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी होता है। तो देखिए एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर, ए के जगह पे 3/5, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे 2/7। तो एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। तो इस सूत्र पे बैठ रहा है एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दे देंगे प्लस ए प्लस बी, तो ए के जगह पे 3/5 प्लस बी के जगह पे 2/7। तो ए प्लस बी गुना एक्स, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है प्लस ए बी, ए के जगह पे 3/5 गुना बी के जगह पे 2/7, इस तरह लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी यानी ए गुना बी। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी घात पे घात है तो गुना कर लेंगे, यानी एक्स का घात हो जाएगा 4। देखिए 2 × 2 क्या होगा 4, तो एक्स का घात 4 हो गया प्लस 7 और 5 का लघुत्तम 7/35,
सात और पाँच का लघुत्तम, सत पचे 35, तो 5 7 35, तो 7 21 प्लस, देखिए 5 7 35 तो 7 21 हो जाएगा यहाँ पे, 7 5 35 तो 5 2 10 गुना एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे गुना करेंगे, 3 2 6 और 7 5 35, 3 2 6 7 5 35 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब इसको लिख लेंगे एक्स का घात 4 प्लस 21 और 10 कितना होगा 31, 21 और 10 को जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, तो 31 बटा 35 एक्स स्क्वायर, देखिए गुना में है एक्स स्क्वायर तो गुना करके लिख देंगे 21 10 31, तो 31 बटा 35 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 6 बटा 35, तो इसका उत्तर आ चुका है एक्स का घात 4 प्लस 31 बटा 35 गुना एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस 6 बटा 35। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।